हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटरमिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के 100 में 100 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। ये क्लास महामैराथन क्लास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारे टॉपिक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 100 में 100 नंबर आपका पूरा कन्फर्म हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और 100% की गारंटी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको मिलने क्या क्या वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। उसके बाद से गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। इससे जो है आपके 10-10 नंबर 20 नंबर पक्के हो जाएंगे गद्यांश और पद्यांश। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय जो होता है ना, साहित्यिक परिचय में आपको कौन कौन से साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। उसके बाद से कहानी, कहानी में आपको क्या क्या करना है, कहानी में आपको कौन कौन सी कहानी याद रखनी है। उसके बाद से खंड काव्य, खंड काव्य भी हमने बताया है। संस्कृत गद्य और पद्य, मुहावरे, निबंध, रस, छंद, अलंकार और पत्र लेखन, इन सारे टॉपिक्स में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ये सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे और यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो 100 में 100 नंबर की तैयारी करनी है तो इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और यही सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी है। एक वीडियो देखिए, दो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो है और इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ मिल जाएगी, पूरे पूरे हिंदी की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं ना, श्याम सुंदर दास जी हैं। देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे ना, कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। पहला प्रश्न हमारे पास हो गया श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसको याद रखिएगा, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन जो करते थे वो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी जी थे, जिनको हम प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना है आपको, ये सारी क्या है, ये पत्रिकाएं हैं और इन पत्रिकाओं के संपादन और संपादककर्ता जो है, इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर लिखना है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका कब की है? ऑप्शन दिया रहेगा द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, शुक्लोत्तर युग की। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा द्विवेदी युग, जहां भी द्विवेदी युग होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, तो काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? सुंदरदास, श्याम सुंदरदास जी ने, ठीक है। तो श्याम सुंदरदास जी ने काशी नगरी प्रचारिणी सभा का स्थापना किया था। आठवां प्रश्न हमारे पास है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि रचना के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, तो शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं, ये प्रश्न जो है आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जो है शिक्षा का उद्देश्य के लेखक है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ये प्रश्न हमारे पास है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, ठीक है। तो आवारा मसीहा कैसी, इसमें देखिए दो प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आवारा मसीहा आपसे पूछ देगा कि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे दिया गया है जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। तो जीवनी विधा की ये रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। आवारा मसीहा किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। तो इनकी रचना है। तो आशा करता हूँ ये 11 प्रश्न आपको समझ में
में आए होंगे। बाकी के और क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम जो है परीक्षा गुरु, इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 नंबर है, प्रश्न संख्या 13 नंबर है हमारे पास, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 14 नंबर है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो केदारनाथ पांडे जो है राहुल संकृत्यायन जी का नाम है। तो राहुल संकृत्यायन का जो नाम है केदारनाथ पांडे है, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधा है। ये कैसी रचना है, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न है चिंतामणि गद्य किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि गद्य किस विधा की रचना है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा निबंध विधा की। तो चिंतामणि कैसी रचना है? निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन दिया रहेगा शुक्लोत्तर युग, तो आपको उसमें सही कर देना है, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार है। मोहन राकेश जो है शुक्लोत्तर युग के रचनाकार है। अगला प्रश्न हमारे पास है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जो है किस विधा की रचना, इसमें आपको लिखना है जीवनी विधा की। आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। इसका उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। आशा करता हूं ये 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। पहले प्रश्न की बात करते हैं, ज्ञानासरई सखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है ज्ञानासरई सखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जो है ज्ञानासरई सखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न संख्या 2 है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस सखा से है? तो कृष्ण भक्ति सखा से है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है कृष्ण भक्ति सखा से है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे पास है कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन है? लाल दास, जिन्हें हम नाभादास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, गे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया था? सन 1943 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, और तार सप्तक को प्रकाशित करने वाले लेखक कौन थे? अज्ञेय जी थे, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो अखरावट जो है, यानी कि पद्मावत, अखरावट और पद्मावत जो रचना है ये आदिकाल की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ये सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ बार बार। इसमें मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा बताने में, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, इस आंसर को जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया था, कहा था। ठीक है, आठवें नंबर प्रश्न की बात करते हैं, आठवें नंबर प्रश्न में मैंने प्रश्न नहीं लिखा है बल्कि एक नोट बना दिया है, और इस नोट को जरूर पढ़ के जाइएगा। रीतिबद्ध कवि के नामों में आपको मिलेगा भूषण बिहारी आचार्य केशवदास, ये रीतिबद्ध के कवि हैं। ठीक है, रीतिमुक्त के कवि कौन है? घनानंद बोधा ठाकुर। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रीतिबद्ध के कवि और रीतिमुक्त के कवियों में इन कवियों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव को। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा चिदंबरा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिदंबरा। तो बोल बोल करके याद कीजिए, सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 20 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इस 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे ही जाएंगे, तो सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास, छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता किससे है? सौंदर्य और प्रेम से है। ठीक है, तो छायावाद की विशेषता जो है सौंदर्य और प्रेम है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, तो कामायनी के महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है, तो इसको आपको लिखना है 15। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पे 12 प्रश्न आपको क्लियर हो गए, और भी बाकी 8 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारे पास, भारत भारती की रचना विधा है, भारत भारती की जो रचना विधा है काव्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर को इन पर, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, दूसरा सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी है। ठीक है, तो सन 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक को प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं, नौका विहार कविता अवतरित है, तो गुंजन से अवतरित है। ठीक है, तो गुंजन से लिया गया है नौका विहार कविता। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? घनानंद नहीं है। ठीक है, घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के कवि है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, तो रीतिबद्ध के कवि नहीं है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, सन 1951 ईस्वी। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न हमारे पास है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बप्पन काल नाम दिया है, तो आदिकाल का जो बीज बप्पन काल नाम है ये किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले हैं कि महत्वपूर्ण गद्यांश है कौन। इसके लिए आपको 10 नंबर प्राप्त होता है, 10 नंबर मिलता है, दो गद्यांश दिए रहेंगे जिनमें से किसी एक पर एक के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें बताना होगा। ठीक है, तो किसी कोई एक का हमारे पास गद्यांश दिया रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक दो करके प्रश्न पूछेगा, 1 2 3 4 5 5 ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न हमारे पास है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, काफी इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रश्न कोई पूछ दे, जैसे कि पहला प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, या ये कह सकता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है उत्तर में, या इसी संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य गद्य खंड से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पाठ का नाम ये हो गया राष्ट्र का स्वरूप, और इनके लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये समझ में यहाँ पे आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, जिसे हम संदर्भ भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना, इस गद्यांश में ही मिलेगा। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको उस गद्यांश में ही ढूंढना है, उसमें मिल जाएगा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी है उसे लेखक ने निर्मूल कहा है, इस प्रश्न का देखिए इसमें उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है उसे क्या कहा है लेखक ने? निर्मूल कहा है। ठीक है, निर्मूल होती है, यही लाइन तो उसका आंसर था, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपका जो गद्यांश होगा ना आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें जो है इस तरीके से अंडरलाइन किया गया रहेगा, जिसे मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, तो इस तरीके से अंडरलाइन हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से है? ठीक है, ये व्याख्या करते कैसे है, तो व्याख्या आपको करना कैसे है, देखिए रेखांकित अंशों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िएगा, और जो भी शब्द हो उनको तोड़ मरोड़ करके अपने शब्दों में बना दीजिए, कि अपने शब्दों में उसे हम कैसे समझा सकते हैं, वही हो गया व्याख्या। ठीक है, तो देखिए, अटूट और अनिवार्य रूप से क्या है, आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्र का विकास भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। उसके आगे लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे। ठीक है, तो ये हमने बात लिख दिया, और यही जो लेखक का मत है, ये रेखांकित अंशों में यही चीजें बताई जा रही थी,
वही मैंने अपने रूपों में, अपने शब्दों में लिख दिया, वही उसकी व्याख्या हो गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, ये है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से इसको हल कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बार बार पढ़ने के लिए, ठीक है। गद्यांश को पढ़िएगा 2 बार 3 बार और आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पद्यांश पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पद्यांश पे आधारित प्रश्न भी 10 नंबर का पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण पद्यांश मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, इस तरीके का जो हमारे पास एक पद्यांश आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसमें मैंने रेखांकित अंश की व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी, तो रेखांकित भी कर दिया है, ठीक है। रेड पेन से मैंने रेखांकित कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसका मतलब अगर आप पहले पढ़े होंगे तो इसमें देखिए, पहले अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस कविता को पढ़ा है, तो उसमें जो पहला प्रश्न आपका आएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न आएगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के लिए क्या लिखना है, इस चैप्टर का नाम, यानी जो जहाँ से लिया गया है ये, और उसके कवि का नाम जो जिन्होंने लिखा है, तो इसमें लिख रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। ये जो हमारे पास है ना, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुवन से औन भेजा संदेशा, ये जो है राधा और कृष्ण के बीच प्रेम की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या, ये पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, यहीं से समझ जाना है, जिसके रचनाकार जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो इसमें आपको पढ़ना है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें पता चलेगा कि जो जो राधा है ना, ये पवन दूतिका से अपना संदेश भिजवा रही है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर जो है आपके उसी पद्यांश में ही मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, गद्यांश सॉरी पद्यांश में हमने रेखांकित अंश भी बनाए हुए हैं, रेखा खींचा हुआ है हमने। इन रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको इसी तरीके से आएगा। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मैंने इंपोर्टेंट बताया, इसका मैंने रेखांकित अंशों की व्याख्या किया है। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, कोई संदेश भी नहीं भिजवाए हैं। हे पवन दूतिके, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू आगे बढ़ेगी, तुझे सुख देने वाली अनेक कुंजे दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो लिखा, ये जो हमारे पास है, ये रेखांकित अंशों की व्याख्या कहलाएगी। रेखांकित अंशों की व्याख्या करते कैसे हैं, तो आपको क्या करना है, रेखा किया गया भाग को अच्छे से पढ़ना है, उसको पढ़ करके उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके मतलब को अपने शब्दों में लिख देना है। इसका मतलब होता है कि वो व्याख्यित हो गया, तो उसे व्याख्या कहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पद्यांश आएगा आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि कुछ ना कुछ उसमें लिखा जाए, कुछ अच्छा लिखा जाए जो कि उससे सटीक हो, उससे मैच करे, ठीक है। ऐसे मत छोड़ कर आइएगा, किसी भी पद्यांश गद्यांश को ऐसे छोड़ करके नहीं आना है, और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में बताए गए जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट 12th क्लास के होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, जीवन परिचय जब बताया जाता है तो उनको लगता है कि जीवन परिचय उनके लिए नहीं है, उनके लिए साहित्यिक परिचय है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जीवन परिचय लिखने के बाद से ही साहित्यिक परिचय को लिखा जाता है, और किस तरीके से जीवन परिचय को लिखेंगे कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले, इस वीडियो में सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छे से क्लियर करके जाइए, बोर्ड एग्जामिनेशन में जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे जीवन परिचय को देखेंगे और मैं बता दूं कि कौन कौन से जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन को किस किस को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, ये 4 जीवन परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी वीडियो में मैं 4ों जीवन परिचय को क्लियर कर दूंगा, सभी की रचनाएं, सभी की साहित्यिक परिचय, सबका जो है जीवन परिचय, सब कुछ बताने वाला हूँ। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये चार जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद करके जाइए। इनके अलावा कोई और जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। तो अगर हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय की, तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है। यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग होनी चाहिए आपकी जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, और इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होती है, और फर्स्ट लाइन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की नजर जो होती है पहली लाइन पे ही होती है, ठीक है। आगे लिखना है इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई, और इसके वजह से वासुदेव शरण की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। शोध प्रबंध पर कितने किसकी उपाधि प्राप्त की? डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए किया, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे अगर चले तो आगे हमारे पास है डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी कि ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे ना, ये संस्कृत, अंग्रेजी और सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का भी गहन अध्ययन किया, और इससे इन्होंने क्या किया? बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि हासिल की और उच्च कोटि के विद्वान हो गए। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के महान पंडित साहित्यकार 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। बस इतनी सी चीज लिखनी है आपको जीवन परिचय में। इनकी मृत्यु जो हो गई 1967 ईस्वी में, याद रखना है आपको। ये जो डेट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेट, सबको याद होना चाहिए, और अच्छे तरीके से पूरे जीवन परिचय को लिखेंगे। उसके बाद से दूसरी हेडिंग होगी आपकी साहित्यिक परिचय, ठीक है। देखिए साहित्यिक परिचय में हमें क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय में इनके साहित्य योगदान के बारे में लिखना होता है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे। इस तरीके की भाषा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पूरा पूरा अंक देगा आपको। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबद्ध है। इनके जो भी निबंध है भारत के प्राचीन इतिहास से और संस्कृति से संबद्ध है। आगे लिखना है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है, ठीक है। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक सभी धर्मों का क्या किया है? उद्घाटन किया है। जयसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जयसी की जो लिखी हुई पद्मावत है, इस पर इन्होंने जो टीकाकरण किया वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इनके बाण भट्ट के हर्ष चरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया इन्होंने, जो है कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बाण भट्ट के जो हर्ष चरितम रचना है, इसका सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। आगे लिखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे, ठीक है। तो इतना बस लिखना है आपको साहित्यिक परिचय में। जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया। लास्ट हेडिंग आपको देनी है कृतियां, छोटी सी हेडिंग देनी है लास्ट, कृतियां। कृतियां मतलब रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो वासुदेव शरण की रचनाएं क्या क्या हो सकती हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा इनका जीवन परिचय, बस रिवीजन के तौर पे आप सबको समझ लीजिए, और जिनको जिनको याद नहीं है जल्दी से स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो होती है निम्नवत है, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रों हम पृथ्विया, बागधारा इत्यादि। ये सभी जो है इनकी निबंध संग्रह की रचनाएं हैं, ठीक है। निबंध में इन्होंने ये सभी, इन सभी चीजों को लिखा है, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, इससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने क्या किया था? डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये हो गया। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियों के हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। देखिए यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को हमने कर लिया। दूसरा है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनको देख लेते हैं उनकी जीवन परिचय क्या है। तो अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जीवन परिचय आपको हेडिंग देना है ब्लैक पेन से, उसके बाद से लिखना है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं या श्रेष्ठ लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में। और एक बात और,
जो मैंने मुझे पहले ही बताना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं और कहीं भी जहां कहीं भी आपको लगे कि इसे हाईलाइट करना चाहिए, जैसे इनका गांव है तो इनके गांव को अगर आपको लग रहा है कि हाईलाइट करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो यहां पे क्या करना है, ब्लैक पेन से नीचे हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं, ठीक है। इससे और अट्रैक्टिव लगेगा आपका जीवन परिचय। तो लिखना क्या है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे लिखना है, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और ये एक ज्योतिष थे और ये संस्कृत के एक विद्वान भी थे, ठीक है। आगे लिखना है, द्विवेदी जी के प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनका जो विकास है, इनकी प्रतिभा का विकास है, इन्होंने जो रचनाएं करने लगे वो कहाँ किए, विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में इनका विकास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से प्राप्त विभूषित किया, ठीक है। तो पद्म भूषण भी इन्हें मिला था भारत सरकार द्वारा 1957 ईस्वी में, ठीक है। 1949 ईस्वी में इन्हें क्या, डीलिट की उपाधि मिली थी। आगे लिखना है, 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। रुग्णता बीमारी है और इस बीमारी की वजह से ये वयोवृद्ध अवस्था में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो ये 1979 में इनकी मृत्यु हुई। इन सभी चीज़ों को याद रखना है, ये जीवन परिचय में इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है साहित्यिक परिचय लिखिए तो इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि साहित्यिक परिचय पूछा है तो हम जीवन परिचय क्यों लिखें, इसमें घबराना नहीं है। पहले आपको जीवन परिचय लिखना है फिर साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, साहित्यिक योगदान के बारे में उनके। तो देखिए, द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे, ठीक है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। विश्व भारती और अभिनव भारती ये दो इनकी ग्रंथमालाएं हैं, जो दो ग्रंथमाला है जिनको इन्होंने संपादित किया है। आगे लिखना है, निबंधकार के रूप में ये विचारात्मक निबंध लिखकर, निबंधकार के रूप में इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखकर के भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने जो है विचारात्मक निबंध का प्रयोग किया और इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला, ठीक है। आगे लिखना है, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण्य है। ललित निबंधों में ये क्या है, अग्रण्य है, यानी श्रेष्ठ है। आगे लिखना है, द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनको ये सारे पुरस्कार दिए गए इनके सम्मान के लिए, इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। तो आशा करता हूँ इनकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, वो है कृतियाँ, ठीक है। इनकी कृतियों को देख लेते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या क्या है। हाँ, तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतियों के बारे में, तो इनकी कृतियाँ देखिए, आपको हेडिंग देनी है कृतियाँ ब्लैक पेन से और उसके बाद से लिखना है इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण जो है निम्नवत है। इस तरीके से निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा, एक हेडिंग बना देना है। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा अशोक का फूल, कुटज, विचार संग्रह, विचार वितर्क, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ठीक है। इन्होंने इनकी रचनाएं की निबंध संग्रह में। आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा, सूरदास, कालिदास का ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ठीक है। इतनी रचना इन्होंने आलोचना साहित्य में की। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, बाभट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ठीक है। तो इन्होंने उपन्यास में इतनी रचनाएं की, आलोचना में, निबंध में, इन सभी रचनाओं को याद रखना है। अगर इन सभी को याद नहीं कर पाते हैं तो 3-3, 2-2, 4-4 ऐसे करके सभी में, सभी खंडों में याद रख लेना है। और इस तरीके से अगर याद करेंगे तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे देखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को भी हमने पढ़ लिया, यानी साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, इनकी सभी चीज़ें हमने जान ली। फिर से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लिया हमने। अब बचे हैं ये 2 कवि, ठीक है। ये आपके बुक में ये कवि के रूप में विद्यमान है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय क्या क्या है। तो अब है हमारे पास महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियों को समझेंगे। देखिए, बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही ट्रिक के साथ, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरे पूरे अंक मिलेंगे। राइटिंग पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय आपको हेडिंग देना है, उसके बाद से लिखना है, महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, होलिका दहन के दिन हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, फरुखाबाद में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय याद रखना है। आगे लिखना है, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और ये जो थे एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे भागलपुर के, ठीक है। आगे लिखना है, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता का नाम हेमरानी था और ये एक धार्मिक महिला थी, ठीक है।
एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। ठीक है, इनकी इनके पापा इनके पिताजी प्रधानाचार्य थे, इनकी माता धार्मिक महिला थी और इनके नाना जी जो थे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो आगे लिखना है आपको, महादेवी जी पर इन सब का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, वो सफल प्रधानाचार्य भी बनी और निष्ठावान उपासिका भी रही। अपनी माता का प्रभाव पड़ा, फिर से ये कवित्री बनी, इनके नाना का प्रभाव पड़ा, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। ठीक है, इनका विवाह जो था 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। आगे लिखना है, विवाहोपरांत ही इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। इन्होंने शादी के बाद भी FA BA और MA जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सम्मान सहित। कहने का मतलब यह है कि अच्छे अच्छे मार्क्स से इन्होंने इन सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। आगे देखना, 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जीवन परिचय समाप्त होती है। आगे लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग देनी है ब्लैक पेन से, उसके बाद से क्या लिखना है साहित्यिक परिचय में, देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र क्या है, काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों का बृहत चतुष्टीय में होती है। ठीक है, बृहत चतुष्टीय मतलब जयशंकर प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, ये पंत मतलब कौन, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये चार जो है ना, ये चतुष्टीय बृहत कवि हैं। ठीक है, छायावादी युग के, तो इस तरीके से इनका नाम जो है इसमें सम्मिलित है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्मभूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, इनके काव्य में जो क्या है, वेदना की प्रधानता है। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मभूषण, शेखसरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, ये सभी पुरस्कार इनको साहित्यिक सेवाओं के द्वारा मिले। आगे लिखना है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, यानी कि करुण रस की ये कविताएं करती हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य को भी अपना रुचिपूर्ण चीज बनाया और इन्होंने गद्य की रचनाएं भी की। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और इनकी लास्ट हेडिंग हो जाती है कृतिया। ठीक है, इनके जीवन परिचय की लास्ट हेडिंग होती है कृतिया, और कृतिया में क्या लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। इनकी रचनाओं को ही तो लिखना होता है, तो रचनाएं निम्नवत हैं। आगे लिखना है, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्यगीत, दीपशिखा, यामा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद से अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में सांधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपर्णा, ठीक है, ये जो है प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रमुख गद्य रचनाओं की बात करें तो इसमें जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया, ये सभी क्या है, गद्य रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां भी समझ में आ गई होगी। बस इतना ही चीज आपको लिखना है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। उसके बाद से अंतिम हमारा बच जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हमारे पास चौथा अंतिम हमारे पास जीवन परिचय लेकर के आ चुका हूँ, अंतिम जीवन परिचय लाया हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है ध्यान से पढ़िए। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। आपको मैंने बताया कि जहाँ भी आपको हाईलाइट करने का मौका मिले या हाईलाइट करने के लिए आपको दिमाग में ये आए कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए, एग्जामिनर को दिखाना चाहिए, वहाँ पे आपको क्या कर देना है, ब्लैक पेन से नीचे की तरफ अंडरलाइन कर देनी है। आगे लिखना है, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिताजी जो थे, देवी प्रसाद जिनका नाम था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। आगे लिखना है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनका प्रारंभिक शिक्षा पर घर पर ही हुई। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके वजह से जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं का जो है अध्ययन किया।
बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। बाल्यावस्था से ही इन्हें कविताएं करना बेहद पसंद थी, बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, आगे लिखना है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया और जितने ये बड़े होते गए उतना ही इनके कविताओं के लिखने की गति बढ़ती गई और कविताओं के प्रति रुझान बढ़ता गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे, ये बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे, ये पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। जो भी ये कविताएं करते थे बिल्कुल मुफ्त करते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच न सके। दुख इनके पास बहुत ज्यादा थे और सन 1937 ईस्वी में अल्पा अवस्था में ही ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, जीवन परिचय हो गया। आगे हेडिंग देनी है आपको साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है ध्यान दीजिए। साहित्यिक परिचय हेडिंग देना है, उसके बाद से लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक उन्नयन तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक नाटककार कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के में प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य जो है ना इनके काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है, और मानवीय संवेदना जो है इनकी कविता का प्राण है। लास्ट हेडिंग देनी है कृतियां। जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों को समझ लीजिए। इनकी कृतियों के लिए आपको हेडिंग देना है ब्लैक पेन से कृतियां, और इनमें लिखना है इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, इनके काव्य ग्रंथ जो है निम्नवत है। काव्य के साथ साथ इन्होंने कहानियां लिखा, तो कहानियों का भी मैंने यहाँ पे विवरण रखा है, उपन्यास का भी विवरण यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से देखिए महत्वपूर्ण जो अब अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण काव्य रचना है इनकी कमायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, प्रेम पथिक। ठीक है, ये सभी इनकी काव्य ग्रंथों के नाम हैं, तो ये सभी काव्य ग्रंथ याद कर लीजिएगा। दूसरा है हमारे पास कहानी। कहानी में इन्होंने लिखा आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि। ठीक है, आगे लिखना है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने लिखा कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो था अपूर्ण था, तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी शायद। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद रखते हैं तो आपको 100% कन्फर्म है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर ही आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे जीवन परिचय आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने चार जीवन परिचय बताया, और मैंने ये भी बताया कि ये चार जीवन परिचय जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सभी जीवन परिचय को जरूर तैयार रखिएगा। इन सभी जीवन परिचय के अलावा कोई अन्य जीवन परिचय को याद करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कहानी के सारांशों के बारे में। तो कहानी के सारांश से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न, या तो कह देगा कि लेखक का उद्देश्य बताइए या कहानी का सारांश बताइए। ठीक है, तो बहादुर कहानी और पंचलाइट अगर आप दो पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एनफ है, दो में से ही आएगा, कोई और कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं। दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहादुर कहानी का सारांश मैंने बहुत ही शॉर्ट में लेकर के आया हुआ है, तो इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। किसकी कहानी है? मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ किया गया कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, जैसे वो क्या होता है, बहादुर एक लड़का है जो नेपाल से, देखिए आगे पढ़ेंगे, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का था। उसके माँ द्वारा किया गया दुर्व्यवहार से तंग आकर वह घर छोड़ करके लेखक की पत्नी निर्मला के घर नौकर का कार्य करने लगता है। ठीक है, जो लड़का बहादुर है ना, इसकी मम्मी जो है उतना नहीं मानती है और उसको उससे गलत व्यवहार करती हैं, उसको मारती हैं, हमेशा क्या करती हैं, उसको मारती हैं, तंग करती हैं। इसके वजह से वो घर छोड़ करके शहर भाग आता है। शहर आने के बाद से उसे पता चलता है कि एक घर में नौकर रखना चाह रहे हैं, नौकर रखने की तलाशी कर रहे हैं, तो नौकर के रूप में उनके घर में कार्य करने लगता है, निर्मला के घर। ठीक है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर का सारा कार्य करता था। बहादुर क्या करता था? घर का सारा कार्य करता था। फिर भी उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ गई थी। ठीक है, लेकिन सारा काम करता था, फिर भी जो है गाली गलौज से मारपीट की नौबत आ गई थी। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अंततः बहादुर जो है वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो बहुत तंग आ चुका था यहाँ से भी, क्योंकि उसे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं और पछतावा करते हैं। अब जो है परिवार को क्या हो गया था, आदत लग गई थी, क्योंकि वो सारा कार्य कर लेता था और ये क्या करते थे, उल्टी बोली सुनाते थे, उल्टी गालियां देते थे उसको। ठीक है, बाद में जब वो चला गया तो उसके सारे कार्य इनको करने पड़े, और इसके वजह से जो है
इनको पछतावा होने लगा क्योंकि बहादुर की उपयोगिता का मान न रखकर अब स्वयं कार्य करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बहादुर की कहानी का सारांश आपको समझ में आया होगा। एक और कहानी है जिसमें लेखक के उद्देश्य को मैंने स्पष्ट किया है, तो पंचलाइट में लेखक का उद्देश्य तैयार कर लीजिए और बहादुर में आप कहानी का सारांश याद कर लीजिए। 100% गारंटी है कि ये दोनों आएंगे, दोनों में से किसी एक पर एक को आपको लिखना होगा। ठीक है, किसी एक को लिखना होगा। ठीक है, दोनों दोनों आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में और किसी एक को आपको लिखना होगा। पंचलाइट की बात करें तो इसमें आपको लिखना है इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने, आपको पता होगा कि पंचलाइट को किसने लिखा है, फारीश्वरनाथ रेणु जी, फारीश्वरनाथ या रेणु जी। ठीक है, रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। इस कहानी में रेणु जी ने क्या किया, ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। पेट्रोमैक्स जब गोधन जला देता है तो उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, उस पर लगने वाले प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी दी जाती है। ठीक है, मिल जाती है उसे मनोनुकूल, जैसे रहना उसको पसंद है वैसे उसको छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो आवश्यकताएं होती है ना, ये आवश्यकताएं जो है बड़े से बड़े रूढ़िगत और संस्कार को क्या कर सकती हैं, व्यर्थ कर सकती हैं। आगे लिखना है, कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। कथानक कैसा है, संक्षिप्त रोचक है, सरल है, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको पंचलाइट में। पंचलाइट में लेखक का उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट होता है। आशा करता हूँ ये भी चीज आपको याद हो जाएगी आसानी से। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। इसमें हम महत्वपूर्ण गद्यांश को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। देखिए पहला हमारे पास क्या है, महामना विद्वाना वक्ता। देखिए सारी चीजें पढ़ेंगे अगर सर पढ़ पढ़ के बताएं तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं केवल काम की बात करता हूं। देखिए इस तरीके का एक पैराग्राफ आपको दे दिया रहता है गद्यांश में और इस पैराग्राफ का आपको संदर्भ लिखना होता है, यानी कि वो किस चैप्टर से लिया गया है और किस खंड से लिया गया है, और जो है इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसका देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कई सालों से ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी तो पहचान पाएंगे। आप पढ़िएगा, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको पढ़ना है इसे। ठीक है ना, पढ़ करके ही संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है ये, तो महामना यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि महामना मालवीय जी का ये जो है खंड है। ठीक है, महामना मालवीय वाला ही चैप्टर है। ठीक है, इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, इस तरीके से है ना, तो देखिए इसका हमारे पास ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक है, इस तरीके से एक एक आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, इतना देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, तो इसके आगे इसका हिंदी अनुवाद होगा किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। ठीक है, इस तरीके से इन सबका हिंदी आप लिखते जाइएगा, हिंदी अनुवाद सब पढ़ दूं अगर तो। देखिए, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है, इस तरीके से आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसका अनुवाद यहाँ पे है, इसको जरूर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके इसे तैयार कर लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए। एक और गद्यांश बताऊंगा, ज्यादा नहीं, एक और गद्यांश बताऊंगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच मैत्रेयी, इस तरीके का जब भी आएगा तो इसका देखिए, इसका संदर्भ आपको लिखना है, कैसा संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यह जो हमारे पास पाठ है मैत्रेयी मुआच याज्ञवलोक्य, इनका नाम जब आएगा तो आप समझ लीजिएगा ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। ठीक है,
तो इसका संदर्भ हमने लिख दिया। इसके अनुवाद की बात करें तो इसके अनुवाद में देखिए, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, देखिए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुआच, यानी कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात, इसका मतलब मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हर एक पैराग्राफ का आपको हिंदी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है, सारी हिंदी पढ़ूं तो, अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं, इस तरीके का लिखा गया है। पूरी कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे पर समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको याद कर लेना है क्योंकि आपने अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना है। ठीक है, मैत्रेयी ने कहा, तब मैत्रेयी ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, बस इतना ही है। तो ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बता दिया, इसका हिंदी अनुवाद बता दिया और इसका संदर्भ भी बता दिया। तो ये दो गद्यांश है जो आपके संस्कृत खंड से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पद्यांश की बात करने वाले हैं। अब पद्यांश में देखेंगे कौन कौन सा पद्यांश जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा पद्यांश आपके लिए इम्पोर्टेंट है संस्कृत पद्यांश में, संस्कृत के पद्यांश में आपका पद्यांश कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो देखिए, पहला हमारे पास है, इसके लिए भी 7 नंबर मिलता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी त्यजित विद्याम विद्यार्थी त्यजित सुखम। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में हमें संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी, कैसा कौन सा पाठ है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका संदर्भ। हिंदी अनुवाद की बात करें तो सुखार्थी ना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी न विद्यार्थी कुतो विद्यार्थी न सुखम, इसका मतलब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फिर से सुखार्थी व त्यजित विद्याम विद्यार्थी व त्यजित सुखम, इसका मतलब है सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि इसका अनुवाद ये है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण पद्यांश है हमारे पास वो ये है, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत समे अज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, ये हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके अनुवाद की बात करें, देखिए सुभाषित रत्नानी, ये भी सुभाषित रत्नानी इस पाठ से लिया गया है, तो इसका संदर्भ हो गया। इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, देखिए, विद्या विवदाय धनम मदाय, विद्या विवदाय इसका मतलब है खल की विद्या वाद विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशा परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए, खली व्यक्ति, खली मतलब दुष्ट व्यक्ति के लिए। आगे लिखना है, इसके विपरीत, यानी देखिए खलस्य साधो विपरीत में अज्ञानाय, ठीक है, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, दानाय च रक्षणाय, धन जो होता है दान के लिए होता है तथा शक्ति जो होती है रक्षा के लिए होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया, श्लोक का इस मतलब होगा ये, तो श्लोक का यहाँ पे मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। आशा करता हूँ ये पद्यांश भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, ये दो पद्यांश थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हास्य रस की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है देख लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा आकृति बाड़ी या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं असाधारण वेशभूषा, इसका मतलब है कि अंठ संठ कपड़ा पहनना, ठीक है, तो इधर उधर का कपड़ा पहनना, या उसकी अजब अजब गजब आकृति हो, या बाड़ी में उस जोकर होते हैं उन कैसे कैसे बोलते हैं, या इस तरीके से कुछ भी ऐसी चेष्टा रखने वाले व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है ना, जो आनंद यानी कि खुशी का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का, हर्ष का भाव जो उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, हास कहा जाता है। और यही हास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही हास जब विभाव अनुभव और संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस कब कहा जाता है, जब वो हास जो है जिससे हमें हास हर्ष जो है जागृत हो रहा है, जिससे हमें विनोद जागृत हो रहा है, जिससे हमें आनंद मिल रहा है, वो उसे हम हास कहते हैं। और जो वो जो हास होता है ना, वो हास जब विभाव अनुभव और संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हास्य रस किसे कहते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो देख लीजिए इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। अगर आप परिभाषा लिख देते हैं और उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो देख लीजिए इसका परिभाषा तो हो गया, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा उदाहरण आपको ये याद रखना है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है। तो ये जो है शंकर जी की विवाह हो रही थी, जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तो उसमें जो है गंगा जी उनके सर पे हंस रही थी, फिर से भुजनी भुजंगा मतलब कि उनके गले में जो सांप लटका हुआ था वो भी हंस रहा था। इस तरीके से ये कुछ हंसने वाला हंसमुख मतलब हास्य रस का एक कविता सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इस उदाहरण को, बड़ा ही सिंपल है। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें हंसी भी आ रही है और अपन आसानी से इस दो लाइन को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हास्य रस की ये परिभाषा हो गई और ये उदाहरण, ठीक। अब बात करते हैं हम करुण रस के बारे में। तो करुण रस की परिभाषा क्या है, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या कुछ अनिष्ट होने पर हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा, अभी हमने हास्य रस में पढ़ा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं और अगर हमें हंसी जागृत होती है तो वहाँ पे हास उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे ही जब हम किसी अपने प्रिय वस्तु से दूर हो जाते हैं या किसी व्यक्ति का नाश हो जाता है जिसे हम बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, या किसी प्रिय वस्तु चाहे कोई चीज़ है टूट फूट जाता है, तो उससे अनिष्ट होने पर हृदय में कुछ क्षोभ जागृत होता है कि नहीं, क्षोभ मतलब कि दुख जागृत होता है ना, और उस दुख को हम शोक कहते हैं। और यही शोक जब अस्थायी भाव विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों में संयोग करके परिणत हो जाता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आशा करता हूँ इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो आसानी तरीके से इस परिभाषा को पढ़िएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है बस, लेकिन सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा मैंने लिया हुआ है। देखिए, राम राम कही राम कही, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसका उदाहरण है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुपति बिरह राउ गयउ सुरधाम, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुपति बिरह राउ गउ सुरधाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये उदाहरण बहुत सिंपल सा है, एक दो बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये उदाहरण याद हो जाएगा, और एक दो बार बस ये पढ़ लीजिएगा, करुण रस की परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। तीसरे रस की बात करते हैं, जो हमारा अंतिम रस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शांत रस की बात कर लेते हैं, शांत रस किसे कहते हैं, देख लीजिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, शांत रस किसे कहते हैं, शांत रस उसे कहते हैं जब हमारा जो संसार से वैराग्य हो जाते हैं, जब हम संसार से हट जाते हैं और परमात्मा के वास्तविक रूप का जब हमें ज्ञान होने लगता है तो हमें एक अजीब सी शांति का अनुभूति होती है, ठीक है, अजीब शांति की अनुभूति होती है जिसे हम शांत रस कहते हैं, और वहीं से शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके परिभाषा जो है आराम से आप याद कर सकते हैं कि परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो मन में शांति उत्पन्न होती है वहां से हमें शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, इसमें इसके उदाहरण में आप लिखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो मैंने उदाहरण दिया है ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो किसी न किसी दोहे में पढ़ ही लिए होंगे, अब तक क्लास 12 तक आ गए हैं, हिंदी की किताब अगर आपने पढ़ा है तो ये दोहा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत आसान भी है। तो आशा करता हूँ इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमारे पास है चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को अट्रैक्ट हो जाए, और किस तरीके से इसका उदाहरण लिखेंगे सिंपल भाषा में, देख लीजिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। कौन, चौपाई। इसमें चार चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, देखिए जो चरण है ना ये सारे छंद में कॉमन है, इसमें सभी में चार चरण ही होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये जो चौपाई छंद है ना इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए, केवल ये जो जगड़ होता है, जगड़ और तगड़ होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो चौपाई छंद है। एक बार और सुनिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, और इसमें चार चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यही इसका डिफिनीशन है, ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। इसके उदाहरण की बात करते हैं, इसका उदाहरण जो है
उदाहरण बड़ा ही सिंपल है, आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपको आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ये देखिए बड़ा ही सिंपल उदाहरण मैंने लिखा है जो आपको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, सभी स्टूडेंट को याद होगा लगभग, और जिनको याद नहीं है वो ये सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। बड़ा ही छोटा सा आपको यहाँ पे उदाहरण मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मात्राओं को भी आप प्रदर्शित कर देते हैं। एक बार मैं बता दूं कि मात्राएं कैसे लगती हैं, तो ये जो यति का चिन्ह है ना तब लगता है जब आपके पास बड़ी ई बड़ा उ या किसी बड़े चीज का मात्रा हो, ठीक है, या आ का मात्रा हो, ठीक है। जब हमारे पास अ आता है या फिर छोटी ई का मात्रा आता है या छोटा उ का मात्रा आता है तब हमारे पास ये जो एक जैसा दिख रहा है आपको इसे लगाते हैं, ठीक है। यति तभी लगेगा जब आपके पास बड़ा मात्रा आएगा, ठीक है, चाहे बड़ी ई का हो, चाहे बड़ा उ का हो, चाहे आ हो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या लगाना है, ये। और यहाँ पे जो ये होता है ना, ये जो यस के जैसे, इसको हम दो काउंट करते हैं और इस एक को हम एक ही काउंट करते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, सोलह मात्राएं होती हैं, तो इसमें सोलह मात्राएं निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। दूसरे छंद की बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट छंद हमारे पास आ जाता है दोहा छंद, ठीक है। तो दोहा की परिभाषा और उसका उदाहरण सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे, दोहा अर्धसममात्रिक छंद। कैसा छंद है ये, अर्धसममात्रिक छंद। पिछला जो छंद हमने चौपाई पढ़ा वो क्या था, सममात्रिक छंद था, लेकिन जो दोहा होता है अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें चार चरण होते हैं, इसमें भी चार चरण होते हैं जो कि चौपाई में भी होते थे। इसके पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है, ठीक है। तो जो दोहा छंद होता है ना, इसके पहले और तीसरे चरण में चार चरण तो होते हैं और पहले और तीसरे चरण में इसके तेरह तेरह मात्राएं होती हैं और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है। थोड़ा सा ये चीज आपको ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप हनुमान चालीसा का ही एक चीज लिख सकते हैं, अंत में जो बोला जाता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरूप। बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण, आप याद रखिएगा, इसको लिख देंगे आपका एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा क्योंकि यह भी एक दोहा है, ठीक है। आप जब हनुमान चालीसा की किताब को देखेंगे तो उसमें अंत में लिखा होगा कि ये दोहा है अंत में, ठीक है। और जो जहां से शुरू होता है हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो हमारे पास चौपाई होता है, ठीक है। तो चौपाई में उसका पार्ट कोई भी सा भी लिख सकते हैं या फिर आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे चौपाई में वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोहा में आपको ये जो है उदाहरण लिखना है। आपको मात्रा मैंने बता दिया है कि जब ये मात्रा लगता है इसका मतलब कि वहां पे कोई बड़ा उ बड़ा ई या आ का मात्रा नहीं है। बड़ा उ बड़ा ई या आ का मात्रा जब आता है तब तो हमारे पास यस जैसा चिन्ह लगता है जिसे हम यति कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है देख सकते हैं, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो पहले और तीसरे चरण में आपको तेरह तेरह मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चौथे चरण में आपको ग्यारह ग्यारह मात्राएं मिलेंगी। टोटल आपको चौबीस मात्राएं इसमें मिलती हैं दोहा छंद में, ठीक है। अब बात करते हैं सोठा छंद की। सोठा छंद की परिभाषा और इसका उदाहरण देख लीजिए। सोठा छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे, सोठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे हमने दोहा छंद पढ़ा उसी तरीके से सोठा छंद को देखिए, यह भी एक क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, चार चरण होते हैं और सब में ये कॉमन होता है, चार चरण जो होते हैं सब में होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं, देखिए बिल्कुल पलट दिया है, दोहा छंद के विपरीत कर दिया है, ठीक है। जो दोहा छंद था उसमें पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती थी, लेकिन सोठा में क्या हो रहा है, उसके उल्टा, ग्यारह ग्यारह मात्राएं हो रही है तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं आ जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक याद कीजिए, दो याद कीजिए, बड़ा एक दो बार पढ़ेंगे आप सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सेंस लगा करके दिमाग को उपस्थित करके पढ़िएगा, सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके उदाहरण की बात करें तो बड़ा ही सिंपल उदाहरण मैंने लिया है, नील सरोरु श्याम तरु नरुन बरीज नयन करऊ सोम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, ठीक है। तो सिंपल सा उदाहरण है, दो चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मात्रा पे आप ध्यान रखिएगा, मात्रा यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं, चौथे दूसरे और चौथे चरण में आपके तेरह तेरह मात्राएं होती हैं सोठा में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण को समझिए, बड़ा ही सिंपल है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कब होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका परिभाषा हो गया। और इसके उदाहरण की बात करें तो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी, दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, दो लाइन का आपके पास उदाहरण है, दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है, देखिए ये बहुत बच्चे क्या होता है
छोड़ देते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पष्टीकरण अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर नहीं देगा, कोई कोई एग्जामिनर काट देते हैं, ठीक है। तो स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे इसके परिभाषा में क्या कहा है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है अगर बार बार हो रही है तो इसका मतलब वो अनुप्रास अलंकार है। यानी कि इस उदाहरण में आप देखेंगे तो ये क है, क की आवृत्ति कितने बार, दो बार हुई है यानी कि बार बार हो रही है। भ है, भ की आवृत्ति भी बार बार हो रही है। घ है, घ की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है इस उदाहरण में, ऊपर दिए गए मैंने जो उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण में जो है क भ र घ जितने अक्षरों की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है उनको लिख करके अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, ठीक है, एक से अधिक बार आ रहे हैं यानी कि उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं, इसलिए ये जो अलंकार होगा ना अनुप्रास अलंकार होगा। तो यही चीज आपको लिख देना है स्पष्टीकरण में। आशा करता हूँ अनुप्रास अलंकार आपको याद हो गया होगा। अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं, दूसरा है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण को देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है ये भी। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जब एक ही शब्द किसी भी उदाहरण में जब एक शब्द दो बार आया हुआ रहेगा और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग मिलेगा आपको, तो यहाँ वहां पे समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या है, यमक अलंकार है, ठीक है। कहाँ पे यमक अलंकार है, जब किसी उदाहरण में दो शब्द दिए हों और दोनों शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो, इसका मतलब कि यमक अलंकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, काली घटा की घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए, दो दो लाइन का है, बस मात्र दो लाइन का, दो बार पढ़िए ना याद हो जाएगा, काली घटा की घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो घटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो घटा दिखाई दे रहा है, दोनों जो है दोनों शब्द जो है एक जैसे है ना, एक ही जैसे हैं, दोनों शब्द क्या है एक जैसे हैं यानी एक से अधिक बार प्रयोग किए गए हैं और इन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग है। एक घटा मतलब होता है हमारे पास, एक घटा मतलब बादल होता है और एक घटा मतलब कम हो गया होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए स्पष्टीकरण में यही चीज आपको लिखना है, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है, अर्थ जो है इसका भिन्न भिन्न है। घटा मतलब बादल और एक घटा मतलब कम हो गया, घटना मतलब कम होना होता है, तो घटा मतलब एक कम हो गया और एक घटा मतलब बादल हो गया। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये लड़का जो है बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा अंक दे देगा। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास अलंकार कौन सा है। तीसरे अलंकार की बात करते हैं, तीसरा हमारे पास है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा जो होती है, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ये दो लाइन है, याद कर लीजिएगा। इसके उदाहरण की बात करें हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से इसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण आपको इस तरीके से लिखना है, उपमेय की बात करें तो हरिपद जो है इसमें उपमेय है, उपमान कमल है, वाचक मतलब से साधारण धर्म जो है ये कोमलता को प्रदर्शित कर रहा है, कोमलता को दिखाया गया है, ठीक है। साधारण धर्म में क्या हो जाएगा, कोमलता हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास उपमा अलंकार, और दो अलंकार बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। अगला अलंकार है हमारे पास रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की जो निषेध रहित आरोप होती है वहाँ पे हमारे पास रूपक अलंकार की उत्पत्ति होती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा अवलोकी। ये बड़ा ही सिंपल उदाहरण है, दो बार तीन बार पढ़िएगा, उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ गीरा जो है यहाँ पे जो इनमें जो है गीरा शब्द है ये इसका मतलब है बाड़ी में भौरे का मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है, ठीक है। पहले आप हेडिंग देंगे प्रस्तावना, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी निबंध लिखना है उसका प्रस्तावना लिखना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी। प्रस्तावना में जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे कि अगर हम पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। जो हमें क्या किया है, चारों तरफ से क्या किया है, परिवृत्त मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है, वही हमारा जो है पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होना वर्तमान में बहुत आवश्यक है, यानी जो हमारे पास जो हमारा पर्यावरण है इसके प्रति जागरूक होना, सीरियस होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है।
क्योंकि जो पर्यावरण है ना इसका क्षय हो रहा है। प्रदूषण की समस्या वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्रदूषण जो है इसकी समस्या कैसे उत्पन्न हुई है, औद्योगिक प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजी जो हमारे पास डेवलपमेंट हुआ हो रहा है इसके लिए, इसके वजह से, और शस्त्रास्त्रों के निर्माण, शस्त्रास्त्रों मतलब एटम का परीक्षण, जैसे कि जैसे बड़े बड़े मिसाइल बनाए जाते हैं उनका परीक्षण करने के फलस्वरूप जो होता है ये प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये जो प्रदूषण है ना इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, इतना मतलब डेंजर हो गया है कि इससे जो है मानवता संकट में पड़ गया है। ठीक है, अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। तो मानव मात्र के हित में यही होगा कि इसके, इस समस्या के समाधान के लिए वो किसी न किसी उपाय को सोचे और समझे और उसका उपाय निकाले। ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास हेडिंग देंगे, दूसरी हेडिंग देंगे आप प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रस्तावना होने के बाद से आपको हेडिंग देना है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ को अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, एक स्वच्छ वातावरण में जब हमारे पास चारों तरफ के वातावरण शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो वहाँ पे जीवन का जो अस्तित्व है वो संभव हो पाएगा। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, जो पर्यावरण है उसका निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है, कोई मानव नहीं करता है पर्यावरण का निर्माण। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, सारे जीवधारी जिसमें मनुष्य भी आते हैं और सारे जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी जीवधारी हैं प्रकृति उनके अनुकूल जो है पर्यावरण को बनाता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से बताया गया है, जब जो होता है क्या होता है, जब पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात, जब पर्यावरण में कुछ तत्व मिल जाते हैं और जैसे भी वाहन जो चलते हैं इसके वजह से जो पर्यावरण में क्या होता है हमारे पास वायु में प्रदूषण फैलने लगते हैं, तो वायु प्रदूषण वहाँ पे आ गया। तो अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। प्रतिकूल मतलब खराब प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद से तीसरी हेडिंग देनी है आपको, अगली हेडिंग देनी है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार में लिखना है प्रदूषण निम्नवत रूपों में दिखाई पड़ता है। प्रदूषण के तो कई प्रकार हैं लेकिन वो निम्नवत रूपों में दिखाई देता है और कुछ जो है कुछ रूप हम जितना जानते हैं उसको लिख देंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पहला जो हमारे पास है वायु प्रदूषण, इसका नाम आपने सुना ही होगा, चाहे आप विज्ञान की किताब में पढ़े हों या फिर कहीं भी इसका चर्चा हुआ होगा आपसे। वायु प्रदूषण होता क्या है यहाँ पे समझिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक है, वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है, सभी जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों को देते हैं। इससे वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है, ये जो प्रक्रिया है इससे जो है वायुमंडल की जो है शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, लेकिन जो है मनुष्य की अज्ञानता मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान इसी उसको समझ रहे हैं कि पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पे महल घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही हैं, तो पेड़ पौधों को पौधों की कटाई इसमें जो है अधिक हो रही है इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो सारे जो मनुष्य हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की कटाई जो है अधिक करवा रहे हैं और इसके वजह से जो है वायु प्रदूषण के बढ़ने की समस्या जो है ज़्यादा आ जा रही है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैस भर गई है। ठीक है, तो यही है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है क्या,
जैसे कि वायु में किसी ऑक्सीजन में किसी तरीके से अशुद्धता आना, यही है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बताया, इसको एक बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल भाषा में है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ऐसा निबंध आपके पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे निबंध को लिखिए और उसको पढ़ते रहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ करके पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारे पास, जैसे कि प्रदूषण के प्रकार में पढ़ रहे थे, तो वायु प्रदूषण मैंने पढ़ लिया, अब देखते हैं अगला प्रदूषण क्या है। अगली हेडिंग देंगे हमारे पास जल प्रदूषण। ठीक है, अगली हेडिंग देंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। वायु के बाद जो प्रथम आवश्यकता है वो जल की है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जल को जीवन कहा जाता है, जल को क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है, कि जल के बिना जो है जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। जो गंदे नाले होते हैं बड़े बड़े नगरों में के, और सीवरों जो होते हैं उनको जो है नदियों में जोड़ दिया जाता है। अब बताइए ये ऐसा काम कितना गलत काम है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। जब गंदगी होगी तो नदियों से क्या होगा, उससे पर्यावरण जो है दूषित होगा, तो उसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो घरेलू कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अनर्गल चीज़ों को अनर्गल जगहों पे फेंक देते हैं, और इसके वजह से वो जल के प्रदूषण का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। अगला हेडिंग देंगे आप ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, आज की एक नई समस्या है, इस समय ये समस्या उत्पन्न हुई है, कोई ज़्यादा दिनों से ये समस्या नहीं है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। यानी कि वैज्ञानिक जो आगे की तरफ प्रगति कर रहे हैं, इन्होंने ही पैदा किया है। जैसे कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि जो मानव की ध्वनि है, जो मनुष्यों की ध्वनि है, जो हमारे पास सबकी जो एक ध्वनि प्राकृतिक ध्वनि है, उसके अलावा ये मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सब की जो ध्वनि है, ये जो है ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ दे रही है, और इससे जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ऐसे और भी कई तरह की चीज़ें मनुष्य द्वारा की जा रही हैं, जिससे अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी मनुष्य के द्वारा ऐसी बहुत सारी अनर्गल चीज़ें की जा रही हैं, जिससे जो है प्रदूषण दिनों दिन फैलता जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखनी है। इसके बाद से आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, अगली हेडिंग देनी है प्रदूषण की समस्या का समाधान। हमने प्रस्तावना लिख दिया, प्रदूषण का अर्थ लिख दिया, प्रदूषण के प्रकार लिख दिए। प्रदूषण के प्रकार में हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लिख दिए। अब हम लिखेंगे प्रदूषण की हमने सारी समस्याएं तो बता दी, लेकिन उस समस्या का समाधान भी हमें बताना होगा। तो अब हम हेडिंग देंगे प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, प्रदूषण की समस्या का समाधान। अब इसमें लिखेंगे हम, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। ठीक है, महान जितने भी महान शिक्षाविद हैं, जो नीति निर्माताएं हैं, देश विदेश जहाँ के भी, मतलब जहाँ भी जो भी नियम है उस तरीके से वहाँ के जो भी शिक्षित लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, इस समस्या पर सीरियस होकर के ध्यान दिया है। ठीक है, आज देश विदेश सभी इस ओर सजग हैं, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों, सब लोग इस ओर सजग हैं कि हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद से वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पौधारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, वातावरण को अगर हमें प्रदूषण से बचाना है तो पौधारोपण, यानी कि हमें वृक्षारोपण, वृक्ष जो है अधिक लगाना पड़ेगा। जितने पौधे लगाएंगे उतना ही हमारे पास प्रदूषण फैलने की समस्या कम होगी। इसके साथ ही भविष्य के प्रति आतंकित होने से बचने के लिए सबको देश की असीमित बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना होगा। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके समाधान के लिए, प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए, हमें देश को आतंकित से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असीमित जनसंख्या को हमें सीमित करना होगा, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है इस पर रोक लगानी पड़ेगी। ठीक है, जनसंख्या पर रोक लगाना भी एक प्रदूषण से की समस्या से निजात पाने का एक रास्ता है। ठीक है,
आगे हम लिखेंगे वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। ठीक है, तो हर तरीके की गंदगी कचरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, उपाय सोचने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण जो अधिक जो नया नया जो ये समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या को रोकने के लिए इसको नियंत्रण करने के लिए और भी बहुत सारे प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास प्रदूषण की समस्या से समाधान पाने की विधि। तो समाधान कैसे पा सकते हैं प्रदूषण से, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद से अंतिम हेडिंग आपको देनी है। अब तो यहाँ तक थक ही गए होंगे आप कि इतना बड़ा निबंध हमने लिखना है, लेकिन अगर इतना बड़ा निबंध अगर आप लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उपसंहार हेडिंग देना है, अंतिम हेडिंग, इसमें लिखना है पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको सचेत रहना है, हम सबको अपने पूर्ण मनोयोग के साथ परिवेश को अपने स्वच्छ और सुंदर रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, ये जो टॉपिक है आपका निबंध के लिए, इस पे जो है आपका निबंध बहुत अच्छे तरह से तैयार हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो खेल होता है असली खेल यहाँ से शुरू होगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, और प्रार्थना पत्र इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी कि हर एक पत्र का किसी भी, चाहे कोई भी सभी पत्र हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको पत्र लिखना हो तो जो उसका प्रारूप है इसी तरीके से होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है सेवा में, तो किसी भी पत्र को लिखते समय आपको सेवा में लिखना है, उसके बाद से कॉमा देने के बाद से थोड़ी सी जगह इतनी छोड़ देनी है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे जैसे सेवा में लिखा हमने, ठीक उसके सामने नहीं, निचली लाइन में इतना जगह छोड़ने के बाद ये लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, तो अगर आप प्रबंधक को लिख रहे हैं तो प्रबंधक लिखेंगे, अगर कोई और हैं तो किसी और के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो श्रीमान और यहाँ पे जिससे भी आप संबोधित करना चाहते हैं उनको वो लिखना है, उसके बाद से वो कहाँ के उनका एड्रेस लिखना है, सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो लिखना है, उसके बाद से हमें एड्रेस लिखना है, ये इसका प्रारूप इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद से निचली हेडिंग देनी है, नीचे आपको एक लाइन के बाद से हेडिंग देनी है मान्यवर, या फिर इस मान्यवर की जगह पे आप महोदय लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रारूप है, उसके बाद से मान्यवर लिखने के बाद से एक लाइन नीचे आना है, एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद से इतना दूर छोड़ने के बाद से आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं साधारण किसान परिवार से हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको फीस माफ़ करवानी है, तो फीस माफ़ करवानी है तो अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही बताना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं साधारण किसान परिवार से हूँ, मेरे पिता की मासिक आय 3,000 रुपये है, यानी कि हर एक महीने की आय जो है 3,000 रुपये है, मेरे एक भाई और एक बहन भी स्कूल जाते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी है जिससे आप फीस माफ़ करवा रहे हैं वो भावुक होकर के आपकी भावनाओं को समझे। उसके बाद से लिखना है जैसे कि उनके भाई और बहन जो हैं मेरे क्या कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, दयनीय आर्थिक स्थिति मेरे पढ़ाई में बाधा बन रही है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बाधा बन रही है, और फीस भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि शुल्क भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। आगे लिखना है हमारे पिताजी शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, यानी वहन करना मतलब पूर्ति करने में, यानी कि आपको चुकाने में क्या है असमर्थ हैं। पूरे वर्ष की शुल्क कितनी है वो लिख देना है, 8,450 रुपये है, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, या कुछ भी लिख सकते हैं, बस तरीका ये होना चाहिए लिखने का। ठीक है, सारे जो भी आप लेटर लिखेंगे कि कोई भी पत्र हो उसमें समस्या तो आपको लिखनी है। ठीक है, समस्या की जगह पर आप बदल देना है, लेकिन जो प्रारूप है इसी तरीके से चलना चाहिए, और उसमें क्या करना है पूरे वर्ष की शुल्क 8,450 रुपये है। उसके बाद से आपको लिखना है थोड़ा सा लाइन यहाँ पे छोड़ करके, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरी संपूर्ण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद लिखना है, उसके बाद यहाँ पे
इस साइड में, यानी कि आप देख लीजिए प्रारूप को, उसी तरीके से लिखना है, दिनांक लिखना है और यहाँ पे आपको जस्ट नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ भी आपको नाम नहीं लिखना है आपके बोर्ड की कॉपी में, यहाँ अ ब स कर देना है, उसके बाद से कक्षा लिख देना है, दसवीं में है तो दसवीं और बारहवीं है तो बारहवीं अ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है ये देखने के बाद से आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। और अगर आप इस तरीके का प्रारूप बना करके किसी भी पत्र को लिखते हैं तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताया करिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी आपको क्लियरिफाई करता रहूँ और अच्छे से आपको बताता रहूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।